एजुकेशन को भी इंशाल्लाह ताला अपने निजाम की तालीमी निजाम का हिस्सा बनाने जा रहे हैं। स्पीकर, ये मेरा आपसे और उस मुअज्जज़ ज़बान से वादा है कि आप देखेंगे कि लाखों रुपया फीस देकर अमीर का बच्चा जो मॉन्टेसरी में किंडरगार्टन में पढ़ता है उसी स्टैंडर्ड की इंशाल्लाह ताला मॉन्टेसरी और किंडरगार्टन शुरू करेंगे। तारीख का सबसे बड़ा बजट पेश किया वज़ीर आला मरियम नवाज का असम्बली में इजहार ख्याल, अपने 100 दिन की कारकर्दगी और आइंदा का लाहे अमल भी बताया। वज़ीर आला मरियम नवाज का 5वीं जमात तक के बच्चों को स्कूल में मुफ्त दूध देने का ऐलान, स्कूलों में तुलबा को फ्री खाना भी फ्राहम किया जाएगा। मजीद कहा कि तुलबा के लिए लैपटॉप स्कीम को भी दोबारा शुरू कर रहे हैं, स्कूलों में स्किल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की शुरुआत कर दी गई। वज़ीर आला का क्लिनिक ऑन व्हील्स प्रोग्राम में 500 मजीद गाड़ियाँ शामिल करने का ऐलान, सेहत के शोबे में इंकलाबी तब्दीलियां लाने का ऐलान। इस बजट का हॉलमार्क ये है कि पंजाब के आवाम के ऊपर मैंने एक पैसे का टैक्स नहीं लगाया। अल्लाह के फजल से पूरी की तारीख में पहली मरतबा 400 अरब का किसान पैकेज वो स्क्रीन पर है इंशाल्लाह। जनाब स्पीकर, आपको और इस मुअज्जज़ ज़बान को जान के खुशी होगी कि आज तमाम पब्लिक हॉस्पिटल्स में वो दवाई मुफ्त लोगों को दी जा रही है, ना सिर्फ मुफ्त दी जा रही है, उनकी दहलीज पे मुफ्त पहुंचाई जा रही है। पंजाब के बजट में पहली बार कोई टैक्स नहीं लगा, पंजाब के टैक्स फ्री बजट पर अपोजिशन भी खुश होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की अपोजिशन पर तनकीद, अपोजिशन के शोर शराबे पर बोली, इन्होंने 5 साल यही करना है, मुझे इन पर तरस आता है। पीटीआई की नाहली के बाद आवाम ने सुख का सांस लिया, वज़ीर आला का किसानों के लिए 400 अरब के पैकेज का ऐलान। वज़ीर आला की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, पंजाब असम्बली का इजलास मछली मंडी बना रहा। सदारत स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने की अपोजिशन अराकीन की स्पीकर डाइस का घिराव करने की कोशिश, हुकूमती अराकीन भी अपोजिशन अराकीन के सामने आ गए, अपोजिशन को वज़ीर आला के डाइस के सामने जाने से रोक दिया। अपोजिशन और हुकूमती अराकीन के दरमियान तकरार, स्पीकर ने इजलास कल 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया। आलमी बैंक से मिलने वाला $200 मिलियन का कर्ज का हेड तब्दील होगा। आलमी बैंक से मलबे वाला कर्ज अपनी छत अपना घर मंसूबे पर खर्च करने की सिफारिशात महकमे हाउसिंग ने मंजूरी के लिए असम्बली ऐवान वज़ीर आला को इरसाल कर दी। आलमी बैंक ने पीटीआई दौरे हुकूमत में 50 अरब रुपये से जायद का कर्ज देने की मंजूरी दी थी। वासा के लिए बोसीदा मशीनरी तब्दील करने का बड़ा मंसूबा, हुकूमत पंजाब को मशीनरी की तब्दीली के लिए PC1 इरसाल। वासा ने 2 अरब 30 करोड़ से मशीनरी की खरीदारी की इजाजत ली थी, शहर के मुख्तलिफ जोन्स में निकासी याब के लिए मशीनरी की खरीदारी की जाएगी। नया तालीमी साल शुरू हुए 3 माह गुजर गए, नाहम के हजारों तुलबा को बायोलॉजी की किताब ना मिल सकी। लाहौर में 8 से 10 हजार तुलबा को नई किताब नहीं मिली, बेशतर तुलबा पुरानी किताबों पर गुजारा करने पर मजबूर। तुलबा ने टेक्स्ट बुक बोर्ड से किताब फ्राहम करने का मुतालबा कर दिया, डिमांड के मुताबिक तमाम स्कूलों को किताबें दे दी हैं टेक्स्ट बुक बोर्ड का मौकफ। महकमे स्कूल एजुकेशन की नाहली, एजुकेशन अथॉरिटीज प्राइवेट स्कूलों की रजिस्टर करने में नाकाम, सूबा भर में 45,000 स्कूल गैर रजिस्टर्ड होने का इंकशाफ। लाहौर में 993 से ज्यादा स्कूल गैर रजिस्टर्ड हैं, गैर रजिस्टर्ड स्कूल में काबिल असातिज़ा ना होने से तुलबा का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया। यंग डॉक्टर्स ने 2 हफ्ते से जारी हड़ताल खत्म कर दी, सरकारी अस्पतालों में आउटडोर्स में इलाज मुआलजा बहाल। अदालत आलिया की हदायत पर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने हड़ताल खत्म की, स्टाफ अपने मामूल के मुताबिक अपनी ड्यूटियां सरंजाम देने लगे। जनरल अस्पताल की OPD फ़ाल कर दी गई, प्रिंसिपल जनरल अस्पताल प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अलफरीद जफर का OPD का दौरा, जायजा भी लिया। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की पंजाब भर में हड़ताल खत्म करने की यकीन दहानी, सदर डॉक्टर मोहम्मद शुएब ने हाईकोर्ट में बयान लिखवाया। हाईकोर्ट ने YDA की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया, आप हमारा असासा हैं। कायम मुकाम चीफ जस्टिस शुजात अली खान का सदर YDA से मुकालमा, आपने आवाम की जान की हिफाजत करनी है, कायम मुकाम चीफ जस्टिस शुजात अली खान के रिमार्क्स।
शहर में हेपेटाइटिस सी के बाद हेपेटाइटिस बी भी अपने पंजे गाड़ने लगा। एक माह में 14 सरकारी अस्पतालों में 252 केसेस की तस्दीक। केसेस अस्पतालों में सिर्फ ब्लड सैंपलिंग के दौरान सामने आए। सबसे ज्यादा केसेस जनरल अस्पताल में सामने आए। जनरल में 73, म्यू में 51, जिना अस्पताल में 32 केस रिपोर्ट हुए। डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर ने 3 एसएचओस के तकर्रो तबादले कर दिए। राय आसिफ को एसएचओ मजंग तायुनात कर दिया गया। यासिर अब्बास को एसएचओ मनामा और अजीम अनवर को एसएचओ हंजरवाल तायुनात कर दिया गया है। हाईकोर्ट में डिफेंस पुलिस की हिरासत से महबूस की बाजियाबी का केस। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन, जीशान असगर समेत दीगर पेश। शहरी को महबूस रखने वाले अहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कोई भी थाना किसी को गैर कानूनी हिरासत में नहीं रखेगा। मरासला जारी। अदालत ने मगवी की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्त निपटा दी। इलेक्शन कमीशन के बल्दियाती एक्ट 2022 के तहत इंतखाबात का केस। जस्टिस शुजात अली खान ने कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद की मुतफरिक दरख्वास्त पर समाप्त की। इलेक्शन कमीशन और पंजाब हुकूमत से जुलाई के तीसरे हफ्ते में जवाब तलब। उधर इलेक्शन कमीशन की पंजाब को नया बल्दियाती एक्ट 3 हफ्तों में मुकम्मल करने की हदायत। परवेज इलाही का नाम ईसीएल में शामिल करने का इकदाम। हाईकोर्ट में चैलेंज। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज खत्म कर दिया। केस जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा की अदालत में लगाने की हदायत। उधर तरक्याती मंसूबों की अरबों रुपए की करप्शन और किकबैक्स वसूली का रेफरेंस। वजीर आला की एक रोजा हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मंजूर। मजीद समाअत 11 जुलाई तक के लिए मुलतवी। जिना हाउस सस्क्री टावर हमला और थाना शादमान नजर आतिश करने के मुकदमात। बानी पीटीआई की 3 मुकदमात में अबूरी जमानत में 5 जुलाई तक तौसी। तफ्तीशी ऑफिसर ने खुद पेश होने की बजाय जूनियर ऑफिसर के जरिए रिकॉर्ड भिजवाया। अदालत का तफ्तीशी ऑफिसर की गैर हाजिरी पर बरहमी का इजहार। अदालत का मुलजम की अडियाला जेल से वीडियो लिंक पर हाजिरी मुकम्मल कराने का हुक्म। अमीर बालाज मरहूम के मामू और कजन को सिक्योरिटी फ्राहम करने का मामला। खालिद महमूद और हसन महमूद का सिक्योरिटी फ्राहम न करने पर सेशन कोर्ट से रुजू। आईजी, सीसीपीओ और एसपी सिक्योरिटी और दीगर अफसरान को फरीक बनाया गया। सेशन जज ने कल सेशन कोर्ट की हदूद में सिक्योरिटी देने का हुक्म दिया था। अदालत ने वकला के दलाइल के बाद मुतलका पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। वकला की हलाकतों की तफ्तीश समेत दीगर उमूर का मामला। कायम मुकाम चीफ जस्टिस शुजात अली खान की जेर सदारत इजलास। होम सेक्रेटरी नूरुल अमीन मेंगल, आईजी डॉक्टर उस्मान अनवर, सीसीपीओ बिलाल सिद्दीक कमयाना की शिरकत। इजलास में वकला की हलाकतों की तफ्तीश समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मॉडल बाजारों से मुफ्त होम डिलीवरी शुरू करने का फैसला। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। वजीर आला से चेयरमैन मॉडल बाजार मैनेजमेंट कंपनी मोहम्मद अफजल खोखर की मुलाकात। मोहम्मद अफजल खोखर ने मॉडल बाजार प्रोजेक्ट के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। मॉडल बाजारों से ऑनलाइन ऑर्डर के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च करने की हदायत। मरियम नवाज ने बजट तकरीर में 100 दिनों का रोड मैप दिया तो गवाने में 2 घंटे लगे। पंजाब के किसी वजीर आला का ऐवान में लंबा खिताब था। वजीर इत्तलात और नशरियात अजमा बुखारी की पंजाब असम्बली के बाहर गुफ्तगू। बोली के एक तरफ गुंडागर्दी बदतमीजी थी और दूसरी तरफ कारकर्दगी खिदमत का ट्रैक रिकॉर्ड। मॉनसून बारिशें, पानी के निकास के लिए सीबीडी ने तैयारियां मुकम्मल कर ली। वालचन रोड पर 15 क्यूसिक के 2 आरजी सिम पंप नस्ब कर दिए गए। बरवक्त बारिशी पानी की निकासी से वालचन रोड की रिहायशियों के लिए आसानी पैदा होगी। वालचन रोड की मेन कैरेजवे को अक्टूबर में हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। सीईओ सीबीडी इमरान अमीन ने ऐलान कर दिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से पीपल्स पार्टी पंजाब के वफद की मुलाकात। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर सैयद अली हैदर केलानी ने वफद की क्यादत की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करने वाले अफसरान और मुलाजमीन पुलिस के बड़े मेडल्स के लिए फाइनल। लाहौर के 10 समेत 39 अफसरान और मुलाजमीन को कायदे आजम और पाकिस्तान पुलिस मेडल के लिए फाइनल किया गया।
23 अफसरान को पाकिस्तान पुलिस मेडल, 14 को कायद आजम पुलिस मेडल से नवाजा जाएगा। अफसरान में इमरान किश्वर, मलिक लियाकत, इर्तजा कुमेल शामिल हैं। CTD लाहौर के एहलकारों को भी मेडल मिलेगा। लाहौर पुलिस के क्राइम फाइटर अफसरान और एहलकारों के एजाज में तकरीब। जराइम की सरकोबी में शानदार कारकर्दगी के हामिल पुलिस टीमों को कैश इनामात और तारीफी असनाद से नवाजा गया। IG ने पुलिस टीमों को कैश इनामात और तारीफी असनाद से नवाजा। चेयरमैन नाजरा लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर अफसर की सेंट्रल पुलिस ऑफिस आमद। IG डॉक्टर उस्मान अनवर और सीनियर अफसरान ने चेयरमैन नाजरा का इस्तकबाल किया। पुलिस के चाको चुबंद दस्ते ने चेयरमैन नाजरा को सलामी पेश की। चेयरमैन नाजरा ने आबशार खिदमत मरकज शादमान, स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन और साहिबान गुलबर्ग का भी दौरा किया। चेयरमैन नाजरा ने पंजाब पुलिस के पब्लिक सर्विस डिलीवरी प्रोजेक्ट्स की परफॉर्मेंस को सराहा। काजिकिस्तान के सफीर यरजहान कस्तफेन की कमिश्नर ऑफिस आमद। कमिश्नर लाहौर जैद बिन मकसूद ने मुअज्जज सफीर का पुरतपाक इस्तकबाल किया। लाहौर में तरक्याती, तजारती, सकाफती सरगर्मियों और दीगर उमूर पर इजहार ख्याल। सफीर काजिकिस्तान बोले कि लाहौर बहुत खूबसूरत शहर है, यहाँ आकर खुशी होती है। सेंट्रल एशियाई ममालिक के सफीरों का लाहौर चैम्बर का दौरा। सफीरों की सदर लाहौर चैम्बर काशिफ अनवर और दीगर से मुलाकात। वफ्द में आजरबाईजान के सफीर हिजर फरदहूद और काजिकिस्तान के सफीर यारजिन कस्ताफन शामिल। किर्गिजिस्तान के सफीर ओलान बागतातली और तुर्कमानिस्तान के सफीर अताजीन मुलावो शामिल। जबकि तुलबा पर तशद्दुद की जाली खबरों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, किर्गिजिस्तान के सफीर की वजाहत। ईरान के नए सदर के इंतखाब के लिए वोटिंग का इनेकाद। ईरानी कौंसलेट में ईरानी शहरियों के लिए पोलिंग बूथ बनाए गए। सफारतकारों और ईरानी शहरियों ने हक़ रायदही इस्तेमाल किया। लाहौर के 120 ईरानी शहरियों मर्द ख्वातीन ने वोट कास्ट किया। शहर की 50 से ज्यादा मार्केटों के ताजर कायदीन का बिजली के बिलों पर इजलास। सदारत सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मुजाहिद मकसूद बट ने की। इतनी महंगी बिजली होगी तो दुकानों के किराए, मुलाजमीन की तनख्वाहें कहां से दें, घरों में क्या लेकर जाएं। IPPs मुआहदों पर नजरसानी करें, ताजरों की दुहाई। UMT में आलमी म्यार की यूनिवर्सिटी की तामीर पर सेमिनार का इनेकाद। CO नॉलेज स्ट्रीम्स डॉक्टर सुहेल हुसैन नकवी की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। मुल्की इकतसादी मुआशी और तालीमी सूरतहाल पर तबादला ख्याल किया गया। मोटरवे एंड हाईवेज पुलिस सेंट्रल जोन 1 की जानिब से रोड सेफ्टी पर सेमिनार। DIG मसरूर आलम को लाची की शिरकत। तुलबा को लेन डिसिप्लिन और रोड सेफ्टी के हवाले से आगाही फ्राहम की गई। और इंटर अकेडमी वार्म अप मैच, शाह फैसल क्रिकेट अकेडमी और अजहर अली क्रिकेट अकेडमी की टीमें आमने सामने। अजहर अली अकेडमी ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। अजहर अली अकेडमी ने 3 विकेटों के नुकसान पर 103 रन बना लिए। शाह फैसल अकेडमी के उमर अली ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया।